हम तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ। महाराष्ट्र मामलारे सुप्रीम फैसला। महाराष्ट्र रे राज करिबो सिंधे सरकार। इस्तफा देइथिबारु पद को फेरी पारिबेनी उद्धव। मौलिला उद्धव को क्षमता को फेरिबा आशा। महाराष्ट्र राजनैतिक घमासान को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय। सिंधे गोष्ठी को आश्वस्ति। महाराष्ट्र रे पूर्व भली क्षमता रहिबे सिंधे सरकार। उद्धव गोष्ठी विधानसभा रे प्रोटेस्ट रो सम्मुखीन न होई इस्तफा देइथिबारु पुरुणा सरकार को फेराइबा संभव नुहे बोली कहिछंती सुप्रीम कोर्ट। तेबे उद्धव ठाकरे को विरोध रे विद्रोह करिथिबा एकनाथ सिंधे समेत 16 विधायकों सदस्यता रद्द मामला सात जनिया बड़ बेंच करिये बोली कहिछंती सुप्रीम कोर्ट। तार पॉलिटिकल इश्यू जेटा थिला सेटा निश्चित भाव रे तार गुटे निर्णय हेछि किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल काहे कि ना जेतेबेले भी गुटे बड़ डिसीजन हुए सुप्रीम कोर्ट रे सेटा फर्दर जो इलेक्शंस हुए कि बा नेक्स्ट कोनोसी भी स्टेट रो कि सेंट्रल रो कोनोसी इश्यू आसीबो सेटा निश्चित भाव रे डिसीजन हबो से पई से माने वर्तमान स्पीकर रो गवर्नर रो रोल दे से माने पॉलिटिकल एरेना को आसी कि कोनोसी निर्णय नबा उचित नहे बोली वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से। माननीय उद्धव साहब ने जो रिजाइन दिया आपका उसकी वजह से ये केस में एक अलग ही लीगल मोड आया था। अगर वो रिजाइन नहीं देते तो एक अलग लीगल सिचुएशन आती थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक अलग एटमॉस्फेयर रहता था, लेकिन उन्होंने रिजाइन देने की वजह से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो भी डिसीजन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और उसको अभी न्यायालय ने एग्री किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते सुप्रीम कोर्ट का निष्पत्ति प्रमाणित कर सत्यर विजय होईची। सरकार गठन समय रे समस्त नियम को अग्राधिकार दिया जाइतिला। एबे सुप्रीम कोर्ट एथिरे मोहर लगाइछंती। जेउ किछि लोक सिंधे सरकार को असंवैधानिक कहुतिले सुप्रीम कोर्ट को राय सेमानक मुहरे सख्त चापुड़ा। बहुमत नथिबारु इस्तफा देइथिले उद्धव। एथिरे कोनोसी नैतिकता नथिला बोली कहिछंती मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे। जवाब रे उद्धव कहिछंती इस्तफा देइ नथिले विश्वासघातकता करिथिबा लोकंकु नै सरकार चलाइबा संभव नथिला। फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं कैसे हो सकता है। गत वर्ष महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को नेतृत्व में शिवसेना विधायकों विद्रोह पर उद्धव ठाकरे को महाविकास अगाड़ी सरकार का पतन होता। यह महाराष्ट्र में नुआ सरकार गठन करते विद्रोही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे। गत वर्ष अगस्त मासरे मामला सुप्रीम कोर्ट को सांविधानिक पीठ को विचार पर जाइतिला। कोर्ट रे उद्धव गोष्ठी पक्ष पुरुणा स्थिति फेराई आनिबा को आवेदन कर जाइतिला। सेहिपरि कोर्ट रे शिंदे गोष्ठी को पक्ष जुक्ति उपस्थापन होइतिला जे एकनाथ शिंदे को पाखरे असरी शिवसेना रहिछि। निर्वाचन आयोग यहाँ को स्वीकार करि सारिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।